हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 6 सेमेस्टर वालों के लिए फार्मिंग सिस्टम का सोल्यूशन पेपर, जिसका पेपर अभी हुआ है। बुकलेट नंबर हम सी को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भू परिष्कर के पिता जेंथो टूल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भू परिष्कर के बाद मृदा की भौतिक दिशा कहलाती है। तो इसका सीड वेड टिल्थ नर्सरी, तो इसका आंसर नंबर राइट होगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिली क्रॉपिंग को प्रस्तुत किया गया, रिली क्रॉपिंग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेंसियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, ये मृदा नमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजोला एक जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर होगा बी, राइजोबियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, सी, ए एंड वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह योजना जिसके अनुसार किसी खेती के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं कहलाती है, फसल योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीलहरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है, नीलहरी शैवाल का प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब दो या दो से अधिक फसलें को बिना किसी पंक्ति अवस्था के एक साथ उगाया जाता है कहलाता है मिश्रित क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार की अंतः फसल में फसलों के बीच शून्य प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसका आंसर नंबर होगा ए, समांतर फसल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, रिले क्रॉपिंग और किस नाम से जाना जाता है, रिले क्रॉपिंग को अतिछादी फसल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, उतेरा फसल पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमि रोटेट होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, स्थानांतरण खेती में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमंजिली फसल का उदाहरण है, तो इसका आंसर नंबर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी विशेष खेत के लिए कुशल फसल प्रणाली निर्भर करती है, तो इसका आंसर नंबर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूंजी फसल प्रधान फसल है, तो इसका आंसर नंबर गन्ना केला आलू, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी फसल प्रणाली अपनाई जाती है, बहुफसल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, सघन फसल अपनाई जाती है ये सीमित भूमि में, सीमित पूंजी में, सीमित श्रम में, तो इसका आंसर नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस फसलों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है, तो किस परिस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसकी समस्या है, इसका आंसर नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिकाऊ खेती है, इसका आंसर नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रबंधन रणनीति जो फसल निवेश को सटीक रूप से प्रबंधित करने के लिए सटीक विस्तृत जानकारी नियोजन करती है कहलाती है, ये यथार्थ कृषि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईएफएस का पूरा नाम है, ये समावित किस प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, फसल प्लस पेड़ ये उदाहरण है 21 वानिकी के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकीकृत किस प्रणाली के लाभ, इसका आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त में से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, USDA का पूरा नाम है, तो यूनाइटेड स्टेट किस विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश के किस मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उदासीन मृदा का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रणाली के उचित संयोजन और लाभप्रदता के लिए उन्हें बढ़ाने के लिए उपलब्ध साधन प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर होगा
किस संसाधन और किस उद्यम, तो इसका आंसर नंबर हुआ सी, उपयुक्त में से दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक फसल एवं पशु उत्पादन के लिए स्वरूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर जिस किसी भाई को पता हो तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उसी दिशा में दूसरे उत्पाद के स्तर में परिवर्तित होता है, कहलाता है पूरक संबंध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण किसके लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान होता है, तो इसका आंसर जिस किसी भाई को पता तो प्लीज़ कमेंट कर दे, इसका आंसर भी मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भविष्य के उत्पादन में परिवर्तनशीलता जिसे मापा नहीं जाता कहलाती है, तो इसका आंसर अनिश्चितता जोखिम, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस क्षेत्र का आकार व्यावसायिक दक्षता और किसान के संसाधन प्रभावित करते हैं, इसका आंसर जिस किसी भाई को बताओ प्लीज़ कमेंट कर दे, तीन क्वेश्चन के आंसर भी मिले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमांत खेती एवं निर्वाह खेती है, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, विविधीकृत खेती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्पादन का कारक है, उत्पादन का कारक है भूमि पूंजी श्रम, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन या डेयरी का काम करना कहलाता है मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है, आधुनिक कृषि में पारिस्थितिक होती है कहलाती है असल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य किसका उदाहरण है, राज्य किसका उदाहरण बीज क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, डॉच खालखस एवं कन्यून संबंधित है इस सामूहिक खेती से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका, कलेक्टिव फार्मिंग से। क्वेश्चन नंबर 45 है, LFR का पूरा नाम है, ये भूमि समतुल अनुपात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, भूमि समतुल अनुपात का प्रयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर सी होगा, अंता फसल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्तमान में ICR के महानिदेशक कौन है, ये टीम मोहपात्रा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुफसल सूचकांक किसने दिया था, ये बिले और रॉब ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कैन मृदा उर्वरता को पुनः स्थापित करता है, द नैली फसल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता अनुपात है, तो इसका आंसर नंबर होगा ए 100। क्वेश्चन नंबर 52 है, फसल सघनता का सूत्र है, फसल सघनता का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सी फसलों को फसल चक्र सघनता में फसल के तौर पर नहीं गिना जाता, तो इसका आंसर नंबर होगा वी, हरित खाद्य फसलें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, मक्का आलू प्याज है, मक्का आलू प्याज है एक वर्षीय फसल चक्र है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 है, आच्छादित फसल का उदाहरण है उर्द, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानांतरित व्यवस्था कहलाती है फसल प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, फसल उत्पादन किस वानिकी मुर्गी पालन एवं पशु घटक है, तो ये किस प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, सहकारी किराएदार खेती में भूमि को स्वामित्व होता है व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा, मृदा की नमी संचित करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं।